हेलो, मैं हूं डॉक्टर किशोर काळे और मैं औरंगाबाद में केबीसीएनए काळेज बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ाता हूं। हम लोग लोकोमोशन एंड मोमेंट इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मसल स्टार्ट करके मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स तक स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ देखा था ना। एक ब्रीफ रिविजन ले लेते हैं। ये सपोज कोई अगर बोन है बच्चों, जैसे कि यहां पे ये बोन है, दिस इज द बोन। तो स्केलेटल मसल बोन से अटैच होते हैं मोस्टली। ये वो मसल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द मसल। अगर मैं इस मसल को यहां से काट देता हूं, अगर मैं इस पूरे मसल को यहां से काटता हूं, ये मसल इस बोन से जाके कहीं दूसरे बोन पर अटैच हो रहा था, हमने बीच में से काट दिया। तो काटने के बाद हमें मसल के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, ये तो दीज आर दी मसल बंडल्स। हर एक मसल जो है वो मसल के बंडल से बनता है और इन सारे बंडल को एक साथ बांध के रखने के लिए होता है वहां पे फेशिया, वहां पे होता है फेशिया। तो अब यहां पे देखो, इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स भी रन होते हैं ना। ये जो मसल बंडल है, इनके अंदर ये जो लाल डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये एक एक सेल्स है। तो क्या कह रहा हूं मैं, मसल जो है वो मसल बंडल से बनता है, उसके अंदर ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं, ये मसल के सेल्स हैं, मसल के सेल हैं। हमने एक खींचा, नॉट दी मसल फाइबर, मैं मसल फाइबर कह रहा था, एक्चुअली मसल बंडल है ये। और इस मसल बंडल के अंदर अगर देखा तो यहाँ पे ये सारे मसल के सेल्स हैं और इस ये एक मसल का सेल है, दिस इज अ मसल फाइबर और मसल सेल ना। तो मसल बंडल बनता है मसल फाइबर या मसल सेल से। अब मसल का जो सेल है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। ये लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं सारी बातें, मैं सिर्फ ब्रीफ रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों को। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम होता है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा, और उस प्लाज्मा लेमा से इसे सार्कोलेमा कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कैल्शियम भरा पड़ा है, क्यों, क्योंकि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। साथ में यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऐसे मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स दिखते हैं। अगर मैं एक मायोफिलामेंट को बाहर निकालू, एक मायोफिब्रिल को बाहर निकालू, तो उस पर किसे बाहर निकाला मैंने, इस ब्लैक कलर के फिलामेंट को, तो उसपे हमें डार्क लाइट बैंड्स दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि तो अगर हम किसी मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल के अंदर झांक कर देखें बच्चों, हम देख रहे हैं मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल के अंदर, तो हमें उसपे एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट्स दिखते हैं। ये जो बड़ा सा थिक वाला लाल वाला फिलामेंट है वो मायोसिन है, वो दिखने में ठीक है। हम किसके अंदर देख रहे हैं, देखो ठीक से समझो, मसल के अंदर मसल बंडर, मसल बंडर के अंदर मसल के सेल्स, और मसल सेल के अंदर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन। अब फिलहाल आप मायोफिब्रिल के अंदर हो, तो उसमें आपको एक के नीचे एक ऐसे कौन दिखते हैं, मायोसिन दिखते हैं, जो कि थिक होते हैं। किससे थिक होते हैं, इन ब्लू वाली या ये जो ब्लूश कलर के जो दिख रहे हैं आपको, स्काई ब्लू कलर के, इन लाइन से, इन लाइंस को कहा क्या जाता है, एक्टिन। एक्टिन कैसे होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं। तो ये एक्टिन थिन फिलामेंट है, इसके नीचे मायोसिन थिक फिलामेंट है, फिर से एक्टिन है, फिर से मायोसिन है, फिर से एक्टिन है, फिर से मायोसिन है। अब जितने एरिया में मायोसिन है, जितने एरिया में मायोसिन है उतना एरिया जो है वो डार्क कलर का दिखेगा, और उसके इस साइड से जहां पे मायोसिन नहीं है और यहां से इस साइड से जहां पे मायोसिन नहीं है वो लाइट दिखेगा, या यू कहो जिस एरिया में सिर्फ एक्टिन है वो लाइट कलर का दिखता है, जिसे आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, और जिस एरिया में मायोसिन है उसे अन आइसोट्रॉपिक बैंड या डार्क बैंड कहा जाता है। मतलब ये लाल कलर का जितना पोर्शन है मायोसिन वाला तो उसे डार्क बैंड कहते हैं, उसके बाद में जहां मायोसिन नहीं है सिर्फ एक्टिन है उसे लाइट बैंड कहते हैं। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताई गई है, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस किया वो पहले उसे देख लो, क्योंकि ये रिवाइज कर रहा हूं मैं, आप लोगों को ये याद आना चाहिए। दो एक्टिन के बीच में ये जो डिस्टेंस है, जहां पे देखो
मायोसिन का ये वाला हिस्सा जो है वो एक्टिन ने ओवरलैप किया हुआ है, ऊपर से भी नीचे से भी यहाँ पे एक्टिन है, दिस वाला पोर्शन. द एंड्स ऑफ मायोसिन आर कवर्ड बाय द एक्टिन, लिविंग एन अनकवर्ड पोर्शन बिटवीन टू एंड्स ऑफ एक्टिन, और इस पोर्शन को कहा जाता है एच जोन. एच जोन वो हिस्सा है जहां पे मायोसिन को एक्टिन नहीं कवर कर रहा है, ओपन हिस्सा है, ये वाला पोर्शन एच जोन है. देन यहां से एक लाइन पास होती है फाइब्रस जिसे कहते हैं एम लाइन. उसके बाद एक्टिन से पास होने वाली लाइन को जेड लाइन या जेड डिस्क कहा जाता है. दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, यहां से यहां तक ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन है, उसे कहा जाता है सार्कोमेर. क्या कहते हैं उसको? सार्कोमेर. नाउ ही परत आणखी एक इमेज आहे ज्याच्यामध्ये मी परत एक वेळा तुम्हाला सार्कोमेर दाखवणार आहे. मी परत परत वेगळ्या वेगळ्या इमेजेस घेऊन त्याच त्याच गोष्टी का सांगतो मुलांना, कारण हे कधीच नंतर तुम्हाला कन्फ्यूज व्हायला नाही पाहिजे. प्रत्येक अँगलने प्रत्येक ऍस्पेक्टने तुम्ही हे बघा, इथंच ते क्लिअर करा. डाऊट असेल तर मला एकतर व्हॉट्सअपवर मेसेज करा किंवा फोन करा, पण डाऊट डाऊट ठेवू नका. या इमेजमध्ये आणखी व्यवस्थित तुम्हाला लक्षात येईल, हा एक मायोफिब्रिल आहे बाळांनो. दिस इज अ मायोफिब्रिल. पण आता हा मायोफिब्रिल जो आहे याच्यामध्ये हा जो लाल कलरचा आहे हे मायोसिन आहेत, एकानंतर एक एकानंतर एक हे सगळे मायोसिन आहेत. आणि या मायोसिनच्या इकडे हा जो ब्ल्यू कलरचा दिसतोय बाळांनो, दिस इज द ऍक्टिन. याला काय म्हणायचं? ऍक्टिन. ऍक्टिन थीन आहे, मायोसिन थिक आहे. ऍक्टिन थीन आहे, मायोसिन थिक आहे. आणि ही जी लाईन पास होती इथून, दिस लाईन, तर या लाईनला म्हणायचं झिगझॅग, झिगझॅग जी आहे तिला म्हणायचं झेड लाईन. काय म्हणायचं तिला? झेड लाईन. इथं पण ही दुसरी झेड लाईन आहे जी मायोसिन मधून जातीये, झेड लाईन. दोन झेड लाईनच्या मधलं जे डिस्टन्स आहे त्याला सार्कोमेअर म्हणतात, विच इज द फंक्शनल युनिट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. आणि अगोदरच सांगितलं होतं मी की एम लाईन म्हणजे तो पोर्शन जो कशाच्या मधून चाललाय, काय आहे, दिस इज द मायोसिन. मायोसिन मधून जाणारी ही जी लाईन आहे, दिस इज द एम लाईन, दिस वन. आणि ही जी ब्ल्यू कलरची झिगझॅग झिगझॅग लाईन आहे, दिस इज द झेड लाईन. दोन झेड लाईनच्या मधलं डिस्टन्स काय? सार्कोमेअर. हे ब्ल्यू कलरची फिलामेंट्स कोण आहेत? ऍक्टिन. रेड कलरची कोण आहेत? मायोसिन आहेत ते. तर इथपर्यंत तुमच्या गोष्टी या क्लिअर व्हायला पाहिजे की मसल काय आहे, मसल बंडल्स काय आहेत, त्याच्या आतमध्ये असणारे मसल फायबर्स कसे आहेत, आणि त्याच्या आतमध्ये मसल फायबरच्या आतमध्ये कोण असतं? मसल फायबरच्या आतमध्ये असतो मायोफिब्रिल नावाचे, म्हणजे असतात मायोफिब्रिल नावाचे फायबर्स. हे मायोफिब्रिल्स मध्ये असे थिन फिलामेंट कोण आहेत रे? ऍक्टिन. त्याच्यामध्ये हा थिक कोण आहे? मायोसिन. हा कोण आहे? मायोसिन. इकडून जाणारी लाईन कोण? झेड लाईन. इकडून जाणारी लाईन कोण? झेड लाईन. दोन झेड लाईनच्या मधलं डिस्टन्स काय रे? सार्कोमेअर. सार्कोमेअर. आणि इथून जाणार, इथून जाणारी जी लाईन असते तिला काय म्हणतात? एम लाईन. आता या लेक्चरमध्ये आपल्याला ऍक्टिन, ऍक्च्युअल ऍक्टिनचं स्ट्रक्चर कसं आहे आणि मायोसिनचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते बघायचंय. तो हम लोग पहले ऍक्टिन का स्ट्रक्चर देखते हैं. जब हमने ऍक्टिन को मैग्निफाई करके उसके इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट लेवल पे स्टडी करना चाहा, जब हम ऍक्टिन को बहुत ज्यादा मैग्निफाई करके देखने लगे तो हमें ऍक्टिन के अंदर मिले ऐसे गोल 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 यूनिट्स, और इन गोल गोल यूनिट्स से बना एक धागा. इस पूरे धागे को कहा जाता है एफ ऍक्टिन. एफ ऍक्टिन. मैं ऍक्टिन के अंदर क्या है, तो ऍक्टिन के अंदर मैं तीन चीजें बताने वाला हूं आपको. एक होता है, एक्चुअली चार चीजें हैं, एफ ऍक्टिन, उसके बाद एफ ऍक्टिन के बाद ट्रोपोमायोसिन, देन तीसरा है ट्रोपोनिन, और जो फोर्थ वन है वो है जी ऍक्टिन. ऐसे चार पॉइंट में मैं बात करूंगा. तो ऍक्टिन ये सिर्फ ये इतनी लाइन जो है इसको अगर मैग्निफाई करते हो तो क्या दिखेगा इसमें? तो ये ऐसे गोल 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 यूनिट से बना हुआ धागा है, जिससे इस धागे को कहते हैं एफ ऍक्टिन. एफ स्टैंड फॉर फिलामेंटस. एफ स्टैंड फॉर फिलामेंटस. क्यों फिलामेंटस? क्योंकि एक फिलामेंट है, धागा है. उसके बाद ऐसा ही दूसरा एक धागा है, मतलब ऐसे दो एफ ऍक्टिन होते हैं एक ऍक्टिन मॉलिक्यूल में, दो फिलामेंट्स होते हैं. तो ये दूसरा धागा है. सो देयर आर टू टू फाइबर्स और टू एफ ऍक्टिन्स इन वन एक्टिन फाइबर. एक एक्टिन फाइबर के अंदर दो एफ एक्टिन होते हैं. अब हमने एफ एक्टिन किस चीज से बना है ये देखा. देखना चाहता हूं हमें ऐसे गोल 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 यूनिट जो है वही एक दूसरे से ज्वाइन होकर चेन बनाते हुए मिले. मतलब ये गोल गोल यूनिट जो है
वही पॉलीमराइज हो रहे हैं। पॉलीमराइज ये वर्ड काफी बार आता है। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या? पॉलीमराइजेशन मतलब चेन बनाना, एक चेन बनाना, साखळी बनवणे। माता जर साखळी बनवणारी गोष्ट ही एकच सारख्याच गोष्टी एकमेकांना जोडून जर साखळी बनत असेल पोरांनो, म्हणजे सपोज एक ए नावाचा मॉलिक्यूल आहे तोच एकमेकांना जोडला जाऊन जर चेन बनत असेल तर त्या पॉलिमरला, म्हणजे एचं पॉलिमरायझेशन झाल्यामुळे ही जी साखळी बनली याला पॉलिमर म्हणतात आणि या पॉलिमरला होमो पॉलिमर असं म्हटलं जातं। होमो पॉलिमर, होमो पॉलिमर म्हणजे काय पोरांनो? तर सारखाच एक मणी किंवा एक युनिट किंवा कोणताही सिंगल कॉम्पोनंट जोडला जाऊन साखळी बनणे। जसं की ग्लायकोजेन शब्द तुम्ही ऐकला असेल, ग्लायकोजेन ही कशाची साखळी आहे? तर ग्लुकोज मॉलिक्यूल एकमेकांना, खूप सारे ग्लुकोज मॉलिक्यूल जोडले गेले की त्याच्यापासून ग्लायकोजन बनतो। याच्या उलट हेट्रोपॉलिमर काय असतात? तर ए, ए नंतर बी, बी नंतर सी, परत डी, परत ए, परत ए, परत बी, परत सी, म्हणजे असे वेगळे वेगळे छोटे छोटे युनिट एकत्र येऊन, वेगळे वेगळे युनिट एकत्र येऊन जर चेन बनत असेल, जर पॉलिमर बनत असेल तर त्याला हेटरोपॉलिमर असं म्हटलं जातं, हेट्रोपॉलिमर। मी काय सांगतोय? मी तुम्हाला तीन शब्द सांगितले, पॉलिमर म्हणजे काय, देन होमोपॉलिमर म्हणजे काय आणि हेट्रोपॉलिमर म्हणजे काय। पॉलिमर म्हणजे कुठल्याही गोष्टीची साखळी, चेन, ओके। मग आता ही जर साखळी एकाच युनिटनं सारख्याच मॉलिक्युल्सची बनलेली असेल, जसं की मी बोललो ग्लायकोजन ही साखळी जी आहे ती ग्लुकोज जोडले जाऊन, सिंगल ग्लुकोज सारखी युनिट जोडले जाऊन ग्लायकोजन बनलाय, तर त्याला होमोपॉलिमर म्हणतात। आणि जर हे युनिट्स हे जर वेगळे वेगळे असतील, म्हणजे जसं की ए नंतर बी नंतर सी, डी ए ए बी, जे वेगळे वेगळे युनिट एकत्र येऊन जर चेन बनत असेल तर त्याला हेट्रोपॉलिमर असं म्हटलं जातं। इथं मी बोलतोय की जी ऍक्टिन नावाचा हा मॉलिक्यूल रिपीट 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 होऊन हा पॉलिमर बनवतोय, एफ ऍक्टिन नावाचा। म्हणजे एफ ऍक्टिन हे कशाचं पॉलिमर झालंय? तर इट इज अ पॉलिमर ऑफ जी ऍक्टिन। जी स्टँड फॉर, पोरांनो जी स्टँड फॉर ग्लोब्युलार, ग्लोब्युलार, ग्लोब्युलार असा हा एक प्रोटीन आहे जो एकाला एक असे खूप सारे मॉलिक्यूल जोडले जाऊन एक फिलामेंट बनवतोय। त्या एका फिलामेंटला फिलामेंटस ऍक्टिन असं म्हटलं जातं किंवा एफ ऍक्टिन म्हटलं जातं। आणि असे दोन एफ ऍक्टिन एका ऍक्टिन मध्ये असतात। नाव मी तुम्हाला बोललो तर मी चार शब्दांविषयी बोलेल, जी ऍक्टिन, एफ ऍक्टिन, हे दोन तर झाले, उरले दोन कुठले? एक होता ट्रोपोमायोसिन आणि दुसरा आहे ट्रोपोनिन। तर ट्रोपोमायोसिन काय असतं? तर जसे हे एफ ऍक्टिनचे दोन धागे इथे तुम्हाला दिसत आहेत, असेच दोन धागे अजून तिथे आहेत। आणि या दोन धाग्यांपैकी प्रत्येक धाग्याला, म्हणजे याला आणि याला नाव आहे ट्रोपोमायोसिन। त्याच्या नावाकडे विशेष लक्ष द्यायचंय तुम्हाला। का लक्ष द्यायचंय? कारण ट्रोपोमायोसिनच्या नावात मायोसिन आहे, पण तो पार्ट कुणाचा रे? कुठल्या थ्रेडचा, कुठल्या फिलामेंटचा? ऍक्टिनचा तो पार्ट आहे। इट इज अ पार्ट ऑफ ऍक्टिन, जरी त्याच्या नावात मायोसिन असलं तरीही। तर ट्रोपोमायोसिन हा दुसरा एक प्रोटीन आहे ज्याचे दोन फिलामेंट या एफ ऍक्टिनवर रन होतात। त्यानंतर या ट्रोपोमायोसिन च्या वरती काही स्पेसिफिक पॉइंटला इथं तुम्हाला असे ट्रोपोनिन नावाचे प्रोटीन्स मिळतील। ट्रोपोनिन किती दिसतात? किती किती ड्रॉ करतोय मी? तीन ड्रॉ करतोय, 1 2 3 1 2 3। तर बघा, 1 2 3 असे हे तीन प्रोटीन्स पासून बनले, तीन मॉलिक्युल्स जे आहेत ते ट्रोपोनिनचे आहेत जे ट्रोपोमायोसिन वरती प्रेझेंट आहे। आता मी काय केलं, त्याला मॅग्निफाय केलं, हा एक, त्याला लागून दुसरा, त्याला लागून तिसरा। या ट्रोपोनिन मध्ये तीन सब टाइप्स असतात। ट्रोपोनिन मध्ये किती? तीन सब टाइप्स असतात। पहिला सब टाइप आहे ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आय, आय स्टँड्स फॉर इनहिबिटर। दुसरा आहे ट्रोपोनिन टी, ओके। तिसरा आहे, याचं फंक्शन सांगितल्यानंतरच तुम्हाला लगेच कळेल टी काय ते, ट्रोपोनिन सी, हा कॅल्शियम सोबत बाइंड होतो। तर होतं काय पोरांनो, बघा इथं पण मी लिहायचं झालं तर एक जस्ट लिहून ठेवतोय की एक ट्रोपोनिन आहे टी, एक आहे आय आणि एक आहे सी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, आय अँड सी, असे तीन ट्रोपोनिन असतात। ट्रोपोनिन
टी जो असतो पोरांनो हा ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोमायोसिन सोबत बाइंड करून ठेवतो, म्हणजे ट्रोपोनिन टी तो पार्ट आहे, ट्रोपोनिन टी तो पार्ट आहे जो इतर दोन ट्रोपोनिनला, त्या ट्रोपोनिन आय आणि ट्रोपोनिन सी ला ट्रोपोमायोसिन सोबत बाइंड करून ठेवतो, म्हणजे इथून हा ट्रोपोमायोसिनचा धागा असेल तर ट्रोपोमायोसिन सोबत या ट्रोपोनिन आय ला आणि ट्रोपोनिन सी ला बाइंड करून ठेवणारा कोण आहे, ट्रोपोनिन टी आहे. त्याच्यानंतर ट्रोपोनिन आय, आय फॉर इनहिबिटर. पोरांनो आता इकडे जर डायग्राम बघितली तुम्ही तर आपण कोणाचं स्ट्रक्चर बघतोय, आपण ऍक्टिनचं स्ट्रक्चर बघतोय, ऍक्टिनचं, आणि याच्या खाली कोण आहे, हा कोण आहे, मायोसिन आहे, बरोबर. मायोसिनचं स्ट्रक्चर मध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की मायोसिन मध्ये अशा आर्म्स असतात, अशा काय असतात, आर्म्स असतात, आणि जोपर्यंत या आर्म या ऍक्टिन सोबत बाइंड होत नाही, जोपर्यंत या आर्म या ऍक्टिन सोबत बाइंड होत नाही तोपर्यंत मसल काही कॉन्ट्रॅक्ट होत नाही. म्हणजे मसल जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट करायची, जेव्हा तुम्हाला कोणती पण ऍक्टिव्हिटी करायची आहे, कसलीही ऍक्टिव्हिटी करायची आहे, हे मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन असतं. हे कॉन्ट्रॅक्शन कब होगा, जब आपके मायोसिन का ये जो आर्म है ये आर्म ऍक्टिन के साथ बाइंड होगा. मतलब इस ऍक्टिन के नीचे यहां पे कौन है, मायोसिन है. मायोसिन के पास क्या है, मायोसिन के पास आर्म है, मायोसिन के पास मां नहीं है, मायोसिन के पास आर्म है. और ये जो मायोसिन है, मायोसिन का आर्म है, ये एक्टिन से बाइंड होगा तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है कल ही के लेक्चर में पता चलेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म. लेकिन अब यहां पे मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को, कि आप किसी जगह पे बैठे और आपके पैरों के मसल अचानक ही कॉन्ट्रैक्ट होने लग गए और आप ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी है, ऐसा कभी होता है, नहीं होता है. क्यों, क्योंकि आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वॉलंटरी है, वो आपके विल पे डिपेंड है. जब आप चाहते हो तभी आपके पैर चलने लगते, जब नहीं चाहते हो अपने आप आपके पैर नहीं चलते. मतलब आप अगर नहीं चाहते हो, जब तक आप नहीं चाहते हो तब तक आपका मायोसिन आपके एक्टिन के साथ बाइंड नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहते तब तक मायोसिन बाइंड होने के लिए जो जगह है उस पर ये ट्रोपोनिन बैठा रहता है. मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब ये ट्रोपोनिन के तीन मॉलिक्यूल यहां से हट जाएंगे, यहां से साइड में चले जाएंगे, और वो साइड में चले गए तो उनके नीचे जो जगह उन्होंने कवर करके रखी हुई है, जिस जगह पे ये ट्रोपोनिन बैठे हुए है वो जगह ये जाने के बाद ओपन हो जाएगी और उसी जगह पे ये आर्म जो है ये बाइंड होगा. क्या कह रहा हूं मैं, कि इसके नीचे ये आपका कौन है, ये आपका मायोसिन है. मायोसिन के स्ट्रक्चर में ही मैं बताने वाला हूं, वहां उसके पास आर्म होता है. ये आर्म एक्टिन को उसी जगह पे बाइंड हो सकता है जिस जगह पे कौन बैठा है, ट्रोपोनिन बैठा है, और तब तक नहीं बाइंड हो सकता जब तक ट्रोपोनिन वहां पे है. मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ट्रोपोनिन को यहां से साइड में हटना होता है, यहां से बाजू में चले जाना होता है, और जब ट्रोपोनिन यहां से हट जाता है तो ये जो जगह है, अब ट्रोपोनिन यहां से इधर चला गया तो ये जगह जो है ये ओपन हो गया, और इस जगह पे अब ये आर्म जो है वो बाइंड हो सकता है और तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है. कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ये नेक्स्ट लेक्चर है. अभी के लिए मुझे आपको कुछ चीजें समझानी है कि ये आपका ट्रोपोनिन है जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड है, उसे कहा जाता है ट्रोपोनिन टी. उसके बाद यहां पे ट्रोपोनिन आय है और यहां पे ट्रोपोनिन सी है. ट्रोपोनिन टी जो है वो ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आय और सी को ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करके रखता है. ट्रोपोनिन ई फॉर इनहिबिटरी, इनहिबिटरी ट्रोपोनिन क्या करता है, जब तक आय फॉर इनहिबिटरी, नॉट ई फॉर, इट इज आई फॉर इनहिबिटरी, तो ये ट्रोपोनिन आई जब तक ये यहां पे है तीनों, तब तक इस मायोसिन को और एक्टिन को एक दूसरे से बाइंड होने से इनहिबिट करता है. इट इनहिबिट्स द इंटरेक्शन एंड बाइंडिंग ऑफ मायोसिन विद द एक्टिन एंड दैट्स हाउ इट प्रिवेंट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, जब तक ये यहां पे है. अब इसको साइड में कौन लेके जाता है, खुद से तो जाते नहीं है, कौन जात लेके जाता है, इसको लेके जाता है कैल्शियम. तो कैल्शियम यहां पे आया, कैल्शियम कहां से आता है, क्यों आता है, कहां पे रहता है, ये सारी बातें अगले लेक्चर में. अब सिर्फ इतना बताना है कि सी फॉर कैल्शियम, जब भी कैल्शियम आएगा, एक ब्रीफली बात निकली है तो बता ही देता हूं कि हम लोग मायोफिब्रिल के अंदर देख रहे हैं, और मायोफिब्रिल जो है वो मसल फाइबर के अंदर होता है, और मसल फाइबर के अंदर हमने देखा है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम भरा पड़ा है. तो जब आपका ब्रेन या नर्वस सिस्टम चाहती है कि मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भरा पड़ा ये कैल्शियम रिलीज होता है,
रिलीज हुआ कैल्शियम जो है वो मायोफिब्रिल के अंदर आता है, और कैल्शियम मायोफिब्रिल के अंदर आने के बाद ये जो एक्टिन है, इस एक्टिन पर जहां जहां आपको ट्रोपोनिन मिलते हैं, उन ट्रोपोनिन के ट्रोपोनिन सी कंपोनेंट से कैल्शियम बाइंड होते हैं, और ट्रोपोनिन सी को पकड़ के मतलब ट्रोपोनिन सी से बाइंड होते हैं और तीनों को साइड में खींच लेते हैं, तीनों को साइड में खींच लेते हैं। जैसे ही तीनों ट्रोपोनिन साइड में चले जाए, मायोसिन को बाइंड होने की जो जगह है, मतलब द बाइंडिंग साइट्स फॉर द मायोसिन ऑन प्रेजेंट ऑन द एक्टिन, एक्टिन पे मायोसिन को बाइंड होने के लिए जो जगह है वो जगह ओपन हो जाती है, ओपन हो जाती है, और मायोसिन यहाँ पे बाइंड हो सकता है, मायोसिन का हेड यहाँ पे बाइंड हो सकता है, और मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है। तो अब आपको रिवाइज करना है मेरे साथ, रिवाइज करना है मतलब आपको चीजें याद आनी चाहिए मेरे साथ साथ। तो देखो क्या कहूंगा मैं इस चीज को, बोन, ओके, उसके बाद बोन पे अटैच कौन होता है, मसल, ओके, मसल के अंदर, मसल को मैग्निफाई कर लेते हैं, मसल के अंदर कौन है ये, मसल के बंडल्स, उसके बाद उसके अंदर क्या होते हैं, मसल बंडल के अंदर मसल के सेल्स, एक सेल को बाहर निकाल लिया, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या कहोगे, सार्कोलेमा, उसके अंदर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसलिए एनिमल का जो मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल होता है उसको क्या कहते हैं, सिनोसाइट या सिनसाइशियम, सिनसाइशियम, तो सिनोसाइट किसका हुआ, प्लांट का मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल हुआ। इसके अंदर कौन होता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके अंदर क्या भरा पड़ा है, कैल्शियम भरा पड़ा है, उसके साथ यहाँ पे कई सारे ऐसे धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, फिलामेंट होते हैं, उन फिलामेंट्स को क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल। एक को बाहर निकाल लिया मैंने, निकाल लिया, ओके, जब बाहर निकाल लेता हूं तो ऐसा प्लेन दिखता है या उस पर बैंड्स दिखते हैं, बैंड्स दिखते हैं, तो बैंड्स में ये कौन सा बैंड है, डार्क बैंड, उसके बाद क्या है, लाइट बैंड, उसके बाद क्या है, डार्क बैंड, उसके बाद क्या है, लाइट बैंड। ये बैंड क्यों है ये जानने के लिए इसी के अंदर झांका तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा वहां पे एक्टिन, एक्टिन नाम के थिन फाइबर, एक्टिन एक्टिन नाम के थिन फाइबर, और उसके नीचे बीच में कौन था, मायोसिन था, कौन था, मायोसिन। हमने एक्टिन का स्ट्रक्चर नजदीक से जानने की कोशिश की तो इसी के साइड में निकाल रहा हूं, तो ये कौन, एक मोनोमर क्या है, दिस इज जी एक्टिन, जी एक्टिन का पॉलीमर होके क्या बन गया, एफ एक्टिन बन गया, एफ एक्टिन बन गया। ऐसे कितने एफ एक्टिन है, दो एफ एक्टिन है, दिस आर दी एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के ऊपर कौन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, ये ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन पे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कौन होते हैं, ट्रोपोनिन होते हैं, कितने होते हैं, तीन तीन के ग्रुप में होते हैं, तो ये हुआ एक दो तीन, एक दो तीन। ट्रोपोनिन जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड है वो ट्रोपोनिन टी, बाकी जो एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को इनहिबिट कर रहा है, मतलब जब तक ये यहां है तब तक मायोसिन बाइंड नहीं हो सकता, वो कौन है, इनहिबिटरी, और जिससे कैल्शियम बाइंड होता है वो ट्रोपोनिन सी। मसल को जब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा वो, तब यहाँ पे कैल्शियम आके इन तीनों ट्रोपोनिन को खींच के साइड में कर देता है। जब ये साइड में चले जाए तो ये जो जगह है ये ओपन हो जाती है, अनकवर्ड होती है, अभी फिलहाल उसने को किसने कवर किया है, ट्रोपोनिन ने कवर किया है। जब ये साइड में खिसक जाए तब ये अनकवर्ड हो जाती है, और यहाँ पे नीचे जो मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते तब मैं आर्म के बारे में बताऊंगा, ये आर्म उस जगह पे बाइंड हो सकता है। ये स्ट्रक्चर हुआ किसका, एक्टिन का। अब है बारी मायोसिन की। अब तक हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, क्या है इसमें, इसमें दो जो गोल गोल चीज है, पहले तो वो गोल गोल जो चीज है उसे जी एक्टिन कहते हैं, उसके पॉलीमराइजेशन से जो धागे बने हैं उसको एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं, और तीसरा जो फिलामेंटस एक्टिन है उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन होता है। ट्रोपोमायोसिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर तीन तीन के ग्रुप में ट्रोपोनिन होते हैं। अब हम बात करेंगे मायोसिन की। मायोसिन अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, मायोसिन को बाहर निकालूं और फिर से आपको मैग्निफाई करने के लिए कहूं, और मायोसिन जो होता है उसको अगर नजदीक से देखो आप, तो मायोसिन, ये सपोज मायोसिन है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेता हूं, तो हमें इसके ऊपर ना ऐसे सिंगल सिंगल यूनिट दिखते हैं। ये एक यूनिट हुआ, इसे एक मेरोमायोसिन कहा जाता है, उसके बाद इससे ही जुड़ा हुआ दूसरा मेरोमायोसिन, ये सेम होते हैं, कलर सिर्फ इसलिए अलग ले रहा हूं कि आपको समझ में आए ये अलग अलग है, एक्चुअली वो सिमिलर होते हैं। इस एक यूनिट को कहते हैं मेरोमायोसिन, नागाच्या पिल्ला सारखं आहे ते, खवळलेल्या नागाच्या पिल्ला सारखं, फक्त तिथं गरुडाचं पाणी नाही आहे, मसल आहे,
ओके तर हे जे पॉलिमराइज्ड आहेत हे पॉलिमराइज मायोसिन आहे. मग मी काय केलं एक युनिट बाहेर काढला तर त्या नागाच्या पिल्ल्याची ही शेपूट आहे ओके आणि ते खवळलेलं आहे म्हणजे त्याचा फणा असा निघालेला असणार आहे ओके. मग आता एका मेरोमायोसिन असे एकाला एक जोडले गेलेले मेरोमायोसिन जे असतात त्याच्यापासून काय बनतो रे मायोसिन बनतो थिक फिलामेंट बनतो. मी एका पिल्ल्याचं स्ट्रक्चर घेतलंय एका मेरोमायोसिनचं स्ट्रक्चर घेतलंय मग त्याच्यामध्ये हा जो पार्ट असतो पोरांनो याला टेल म्हणतात हे जे डोकं दिसतं याला हेड म्हणतात. हे जे डोक्याला आणि टेलला जोडणारा हा जो एवढा पोर्शन आहे कलर चेंज करून देतोय तुम्हाला अंडरस्टँडिंग साठी. डोक्याला आणि टेलला जोडणारा हा जो पोर्शन आहे याला म्हणायचं शॉर्ट आर्म. काय म्हणतात त्याला शॉर्ट आर्म ओके. मग आता हेड और शॉर्ट आर्म दोनों को एक साथ डिस्क्राइब किया जाता है एज अ हेवी मेरोमायोसिन और टेल को एक साथ डिस्क्राइब किया जाता है लाइट मेरोमायोसिन. लाइट मेरोमायोसिन मतलब अगर मैं कहूं सपोज यहां पे ये मायोसिन है मायोसिन को मैग्निफाई करके देखा तो हमें वहां पे कौन दिख रही है मेरोमायोसिन. कौन दिख रही है मेरोमायोसिन. मैंने एक मेरोमायोसिन बाहर निकाला मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन. मैंने एक मेरोमायोसिन बाहर निकाला और यहां पर ड्रॉ किया तो मुझे उसमें दो हिस्से दिखाई दे रहे. एक ये हिस्सा जिसे हम कहते हैं हेवी मेरोमायोसिन जिसके दो कॉम्पोनेंट है हेड और शॉर्ट आर्म. हेवी मेरोमायोसिन के कौन है हेड और शॉर्ट आर्म और लाइट मेरोमायोसिन का हिस्सा ये ब्लू वाला है टेल. ये कौन है टेल. जब ये मेरोमायोसिन पॉलीमराइज होते हैं मतलब देखो ये टेल यहां पे ड्रॉ करता हूं ये टेल है ये उसका शॉर्ट आर्म और ये है टेल है शॉर्ट आर्म है टेल शॉर्ट आर्म है. जब ये पॉलीमराइज होते हैं एक से दूसरा दूसरे से तीसरा जुड़ते हैं और एक चेन बनती है जिसको हम मायोसिन कहते हैं. उस चेन में जगह जगह पे आपको ये ऐसा बाहर निकला हुआ जो पोर्शन दिखाई देता है किसमें पॉलीमराइज मायोसिन में. जब आप मायोसिन को पॉलीमराइज फॉर्म में देखते हो तो वहां पे ये जगह जगह पे प्रोजेक्टेड हेड और उसपे कौन है ये शॉर्ट आर्म है. इनको पॉलीमराइज मायोसिन में एक साथ कहा जाता है क्रॉस आर्म. देखो मैं जब एक मायोसिन एक मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं तब मैंने इस चीज का जिक्र भी नहीं किया क्रॉस आर्म का. मैंने कहा भी नहीं कि क्रॉस आर्म क्योंकि क्रॉस आर्म ये टर्म एप्लीकेबल है जब मायोसिन पॉलीमराइज होता है मतलब ये मेरोमायोसिन एक से दूसरे दूसरे से तीसरा जुड़ा होता है. तो यहां पे इस स्ट्रक्चर को इस हेवी मेरोमायोसिन के कंपोनेंट्स को एक साथ क्या कहते हैं क्रॉस आर्म कहते हैं. क्रॉस आर्म में हम अगर एक मेरोमायोसिन को निकाल के देखें तो उसमें कौन होता है हेड और शॉर्ट आर्म. हेड और शॉर्ट आर्म और इन दोनों को एक साथ क्या डिस्क्राइब किया जाता है हेवी मेरोमायोसिन. कंफ्यूज हो रहे होंगे आप अभी मैं जो रिवाइज कर रहा हूं करूंगा उसमें आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. हम क्या देख रहे हैं मायोसिन का स्ट्रक्चर उसमें एक एक कॉम्पोनेंट को क्या कहते हैं मेरोमायोसिन. जब हम मायोसिन को पॉलीमराइज फॉर्म में देखते तो ये ऊपर जो निकले हुए स्ट्रक्चर्स है ये जो ऊपर निकले हुए स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं क्रॉस आर्म. इसको क्या कहते हैं क्रॉस आर्म. लेकिन मैं जब एक मेरोमायोसिन को बाहर निकाल के देखूं तो वहां पे क्रॉस आर्म का जिक्र नहीं होता है क्योंकि क्रॉस आर्म ये जो कॉन्सेप्ट ये जो टर्म है हा जो शब्द है हा फक्त पॉलीमराइज्ड मायोसिन साठी एप्लीकेबल है. जब मायोसिन पॉलीमराइज होता है सारे मेरोमायोसिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं तब जो जगह जगह पे हेड शॉर्ट आर्म ऊपर निकल रहे हैं उनको क्रॉस आर्म कहते हैं. जब हम अकेले मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं जब वहां अपन एकाच यूनिट से एकाच मेरोमायोसिन से स्ट्रक्चर बघतो तेव्हा अपन क्रॉस आर्म शब्द वापरत नाही. मग एका मेरोमायोसिन मध्ये तुम्हाला दोन शब्द लक्षात ठेवायचे एक लाइट मेरोमायोसिन आणि हेवी मेरोमायोसिन. हेवी मेरोमायोसिन मध्ये किती कॉम्पोनंट दोन एच फॉर हेड आणि शॉर्ट आर्म. हेड आणि शॉर्ट आर्म आणि दुसरं लाइट मेरोमायोसिन मध्ये टेल. आता हे जे हेड आहे ना रे पोरांनो या हेड मध्ये तीन प्रॉपर्टीज असतात किंवा तीन गोष्टी ज्या तुम्हाला हेडच्या संदर्भात लक्षात ठेवायच्या. पहिली गोष्ट काय तर या हेड मध्ये जागा असते किती. सपोज आता हा ऍक्टिन आहे ना मी ऍक्टिन वर सांगितलं होतं तुम्हाला कोण बसलेलं असतं जागोजागी कोण बसलेलं आहे इथे बसलेले आहेत ट्रोपोनिन. कोण बसलेले ट्रोपोनिन. मग आता हा सपोज ट्रोपोनिन असतो वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी आपण आता जे स्ट्रक्चर बघितलं ट्रोपोनिन बाजूला सरकला पोरांनो ट्रोपोनिन सरकला की तिथं कोण बाइंड होऊ शकतं मायोसिनचं हे हेड बाइंड होऊ शकतं. मेरोमायोसिनचं हे हेड तिथं बाइंड होऊ शकतं पण केव्हा ट्रोपोनिन बाजूला सरकल्यावर. मग ट्रोपोनिनला बाजूला कोण सरकवत आहे कॅल्शियम. कोणत्या ट्रोपोनिनला बाइंड होतो तो ट्रोपोनिन सी ला. मग आता ही जी जागा आहे पोरांनो ऍक्टिनवरची जिथं कोण बाइंड होऊ शकतंय मायोसिन तर दिस इज द
मायोसिनला बाइंड होण्याची जागा आहे म्हणून मायोसिन बाइंडिंग साइट, दिस इज द मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेझेंट ऑन, कशावर प्रेझेंट आहे ती, ऍक्टिनवर प्रेझेंट आहे. तसंच मायोसिनच्या हेडवर अशी जागा असते की जी ऍक्टिन सोबत बाइंड होण्यासाठी आहे, त्याच जागेने तो ऍक्टिनला चिटकतो, म्हणजे मायोसिन हेड हॅज ऍक्टिन बाइंडिंग साइट, त्याच्याकडे ऍक्टिन बाइंडिंग साइट आहे. नंतर उद्या आपण मसल कॉन्ट्रॅक्शन बघू. मसल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये म्हणजे इथं मी काय सांगितलं, पहिला पॉइंट ऍक्टिन बाइंडिंग साइट सांगितलं तुम्हाला. दुसरा जो कॉन्सेप्ट आहे की हेड जो असतो त्या हेड मध्ये, तर मी असं म्हणत होतो ही ऍक्टिन बाइंडिंग साइट आहे. मसल कॉन्ट्रॅक्शन जे की उद्याचं बीट आहे त्याच्यामध्ये मसलला कॉन्ट्रॅक्ट व्हायचं, म्हणजे आता ह्या माझ्या मसल कॉन्ट्रॅक्ट होत आहेत तर इथं काहीतरी एनर्जी लागेल ना, एटीपीच्या फॉर्म मध्ये काहीतरी एनर्जी लागेल, आणि एनर्जी जी आहे ती एटीपीच्या फॉर्म मध्ये असते. बॉडीमध्ये सगळ्याच प्रोसेसेससाठी, सगळ्याच ऍक्टिव्हिटीजसाठी एनर्जी ही एटीपी ऍडिनोसिन ट्रायफॉस्फेटच्याच फॉर्ममध्ये असते, केमिकल एनर्जी त्याच फॉर्ममध्ये बॉडी युज करत असते. तर त्या एटीपीला बाइंड होण्यासाठी ही जागा आहे बाळांनो मायोसिनच्या हेडवर. दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट, दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट. मग उरलं काय, तिसरा, मी बोललो तर तीन गोष्टी सांगेन मी. पहिली काय सांगितली, मायोसिनच्या हेडवर ती जागा असते ज्याच्या मदतीनं ते त्याच्यावरती असणाऱ्या, मायोसिनच्या वरती असणाऱ्या ऍक्टिन सोबत बाइंड होऊ शकतील, ते ऍक्टिन सोबत बाइंड होऊ शकतील, म्हणजे इथं जो ऍक्टिन आहे त्याच्यासोबत हे बाइंड होईल, आणि या बाइंडिंग नंतर कॉन्ट्रॅक्शन कसं होतं ते नंतर बघू. दुसरं, कॉन्ट्रॅक्ट व्हायचं आहे माझं, आता हे कॉन्ट्रॅक्शनच आहे सगळं, दिस इज द कॉन्ट्रॅक्शन. त्या कॉन्ट्रॅक्शनसाठी काय पाहिजे, याच्यासाठी पाहिजे एटीपीज, बरोबर. त्या एटीपीला चिटकायला बाइंड व्हायला जागा असते हेडवर. आता एटीपी तर आला, पण एटीपी मध्ये एनर्जी आहे, एटीपी मध्ये एनर्जी आहे. एनर्जी कशी मिळेल, तर एटीपी म्हणजे काय पोरांनो, ऍडिनोसिन आणि त्याला अटॅच किती फॉस्फरस, तीन फॉस्फरस. ऍडिनोसिनला अटॅच किती फॉस्फरस, तीन फॉस्फरस, म्हणून ट्रायफॉस्फेट. मग आता तुम्हाला काय करायचं इथं, तर हे बॉन्ड तोडले, हा बॉन्ड जो आहे तिसरा बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड तुटला की ब्रेक झाला की याच्यामधून एनर्जी निघते, आणि ही निघालेली एनर्जी जी आहे ती एनर्जी मग आपण मसल कॉन्ट्रॅक्शन साठी वापरतो. सिंपलसा नियम आहे बाळांनो, कोणताही बॉन्ड जेव्हा बनतो, बॉन्ड ज्या वेळेला बनतात केमिस्ट्रीमध्ये, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये एनर्जी टाकावी लागते. काही एक्सेप्शन असतीलही याला केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्ह्यू ना, पण मॅक्झिमम ठिकाणी हे असंच आहे की बॉन्ड बनत असताना तिथे एनर्जी टाकावी लागते, आणि बॉन्ड ज्या वेळेला तुटतात, ब्रेक होतात, त्यावेळेला तिथून एनर्जी निघते. तसं हा ऍडिनो, हा इथं जो आहे तीन फॉस्फेट बॉन्ड आहे, तर याच्यामधला हा एक फॉस्फेट बॉन्ड तुटला त्याच्यामधनं काय निघते, एनर्जी निघते, त्याच्यामधनं निघते एनर्जी, आणि ही जी एनर्जी आहे ती एनर्जी बॉडी मग कॉन्ट्रॅक्शन साठी वापरत असते. आता मग मी एवढं सविस्तर का बोलतोय याच्याविषयी, तर हा बॉन्ड तोडण्यासाठी एक एन्झाइम लागतं एटीपीएज नावाचं, एक एन्झाइम लागतं एटीपीएज नावाचं. इथं ते एन्झाइम वेगळं नाही लागत, सेपरेटली ते एन्झाइम असण्याची गरज नाही. का, कारण या हेड इटसेल्फ ऍक्ट ऍज अ एटीपीएज, हेड इटसेल्फ हॅज एटीपीएज ऍक्टिव्हिटी, हेड मध्येच एटीपीएज एन्झाइमची ऍक्टिव्हिटी आहे. आलं, तर एक परत एकदा ब्रीफली आपण बघूया. या बीटमध्ये जोही एक सिंगल छोटासा पॉइंट तुम्हाला कळायला अवघड वाटत असेल, कन्फ्युजिंग वाटत असेल, कारण ते बीट मुळात कन्फ्युजिंग आहे, तर तुम्हाला लगेच मला 7972312550 या नंबरवर व्हॉट्सअप करायचं किंवा कॉल करून ते क्लिअर करून घ्यायचं आहे. डाऊट अजिबात ठेवायचे नाहीये, लेक्चर झाल्यानंतर पहिलं हे काम करायचं की डाऊट क्लिअर करून घ्यायचे. तर बघा आपण काय बघतोय, मी परत परत का सांगतोय तुम्हाला, कारण हे माझं अशी इच्छा आहे की तुम्हाला लेक्चर बघतानाच पाठ व्हावं लेक्चर, कारण हे परमनंट आहे, ज्यात कितीतरी क्वेश्चन्स असतात. तर तो जो कॅल्शियमचा बीट आहे की कॅल्शियम ट्रोपोनिन सोबत बाइंड होतो, तर त्या एका पॉइंटवर जे मी उद्या परत सांगणार आहे उद्याच्या लेक्चरमध्ये ते जास्त सविस्तर होईल, की कॅल्शियम ट्रोपोनिन बाइंडिंगवर 2018 नीट आणि 2016 नीट लक्स, म्हणजे नीट 2016 आणि नीट 2018 दोन वर्ष त्या एका पॉइंटवर क्वेश्चन आलेला आहे नीटला, म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला जेही कन्फ्युजन असतील ते आजच लेक्चर बघितल्यानंतर लगेच क्लिअर करायचे आहेत. तर हे काय, बोन, याच्या याला अटॅच कोण असतं रे, मसल. मग मी काय केला, बाहेर घेतला, मसल मध्ये आपल्याला काय दिसतील, मसलचे बंडल्स, बंडल बंडल बंडल, प्रत्येक बंडल मध्ये मसलच्या काय, त्या सेल आहेत, सेल
म्हटल्यावर सेलचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असतो त्याला काय म्हणायचं सार्कोलेमा, सेलच्या सायटोप्लाझम असतो त्याला काय म्हणायचं सार्कोप्लाझम, त्याच्या आतमध्ये एक न्यूक्लियस की मल्टिपल, मल्टिपल न्यूक्लियस म्हणून हा काय झाला सिनसाइशियम. इथं एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम असतं का हो, त्याला काय म्हणतात सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम. त्याच्यात कोण असतं कॅल्शियम, कॅल्शियम कशासाठी लागतो ट्रोपोनिनला सरकवायला लागतो. ट्रोपोनिन कुठे आहे या धाग्यांमध्ये, हे धागे कोण आहे मायोफिलामेंट किंवा मायोफिब्रिल. मी एकाला पटांगणात घेतलं बाजूला ओके, मग याच्या आत बघितलं तर याच्या आतमध्ये कोण आहे, याच्या आतमध्ये हे जे थिन वाले आहेत यांना म्हणायचं ऍक्टिन ऍक्टिन ऍक्टिन, आणि मध्ये जो थिन थिक वाला असतो त्याला काय म्हणायचं मायोसिन. हा जो मायोसिन आहे याच्यामधून एम लाईन, ऍक्टिन मधन झेड लाईन, झेड लाईन झेड लाईन, जर झेड लाईनच्या मधलं डिस्टन्स आहे एवढं याला काय म्हणायचं ही जर झेड लाईन, ही जर झेड लाईन आणि हे इथपर्यंत थांबवलं म्हणून ठीक आहे, हे असं कंटिन्यू पण होऊ शकतं. म्हणजे हे सार्कोमेर नंतर सार्कोमेर, सार्कोमेर नंतर सार्कोमेर असतात ही थ्रू आउट द लेन. मग आता इथं हा जो ऍक्टिन आहे, ऍक्टिन आहे मायोसिन आहे, आपण जर यांचं स्ट्रक्चर बघायला गेलो त्याच्याही अगोदर ऍक्टिनच्या दोन टोकांच्या मधलं जे डिस्टन्स आहे त्याला एच झोन म्हणतात, जिथं मायोसिनला कोणीच कव्हर केलेलं नाही. इकडे मायोसिनचे जे एंड आहे त्याच्या वरतून पण खालून पण ऍक्टिन मॉलिक्युल बसलेले आहेत, तो मायोसिनचे जो एंड होते हैं उनको ऍक्टिन कव्हर कर रहा है, लेकिन बीच वाला पोर्शन अनकवर्ड है, उस अनकवर्ड पोर्शन को एच झोन कहा जाता है और दो झेड लाइन के बीच वाला डिस्टेंस जो है उसे सार्कोमेर कहा जाता है. अब मैंने अगर किसी एक ऍक्टिन मॉलिक्यूल को बाहर, मतलब ये एक धागा है इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बताना है मुझे, तो मैं यहाँ पे आपको मैग्निफाई करके दिखा रहा हूं. ये एक एक गोल यानी कौन है जी ऍक्टिन है, दीज आर दी जी ऍक्टिन्स. तो ऐसे कितने फाइबर है, दो फाइबर है, इनको क्या कहते हैं एफ ऍक्टिन कहते हैं. एफ ऍक्टिन कितने हैं दो, एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंटस, क्योंकि ये फिलामेंट है. किससे बने ग्लोबुलर ऍक्टिन, ये एक एक मॉलिक्यूल जी ऍक्टिन जी ऍक्टिन जी ऍक्टिन का पॉलीमराइजेशन से एफ ऍक्टिन. उसके बाद इस पर ये दो फिलामेंट और दिख रहे हैं आपको, इनको क्या कहा जाता है ट्रोपो मायोसिन. ट्रोपोमायोसिन में भले ही मायोसिन नाम हो लेकिन वहां पे मायोसिन वो किसका हिस्सा है एक्टिन का हिस्सा है. इसके ऊपर आपको तीन तीन के ग्रुप में कौन दिखाई देगा, कौन दिखाई देगा ट्रोपोनिन, ये वाला ट्रोपोनिन टी, ये वाला आई और ये वाला सी यहां पे. और एक बात जो लोग इसी लेक्चर से टॉपिक देखना शुरू कर रहे हैं उनको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हमने इस लेक्चर में नया ट्रोपो एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर यही देखा है, बाकी मसल का स्ट्रक्चर उसके अंदर मायोफिब्रिल मसल बंडल ये सारी चीजें इससे पहले लेक्चर का कंटेंट है. तो इससे पहला लेक्चर जिन लोगों ने मसल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा वो पहले वो लेक्चर देख ले और बाद में इस लेक्चर पर आए. तो ये सारी चीजें जो है मतलब इसमें से कई सारी चीजें पहले लेक्चर का कंटेंट है, यहाँ पे मैं उसे रिवाइज कर रहा हूं. तो मैं बात कर रहा था ट्रोपोनिन की, कितने पार्ट है उसमें तीन. ट्रोपोनिन टी जो किससे बाइंड होता है, किससे बाइंड होता है ट्रोपोमायोसिन से. उसके बाद आय जब तक ये यहां पे बैठा है नीचे का मायोसिन यहां पे बाइंड नहीं हो सकता. सी ये वो हिस्सा है जिसके साथ कैल्शियम बाइंड होके इन तीनों को यहां से सरका देता है. मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने इस मायोसिन को अगर यहां पे निकाला तो उसमें ये ऐसा ये जो यूनिट है इसे कहते हैं मेरोमायोसिन. मेरोमायोसिन का ये वाला हिस्सा टेल वाला पार्ट है. उसके बाद टेल और हेड को कनेक्ट करने वाला ये हिस्सा शॉर्ट आर्म है, आपको रिकॉल होनी चाहिए बात ये. उसके बाद ये ऊपर कौन है हेड, ये कौन है शॉर्ट आर्म, ये कौन है ये है टेल. हेड और शॉर्ट आर्म को एक साथ कहा जाता है हेवी मेरोमायोसिन और टेल को कहा जाता है लाइट मेरोमायोसिन. जब अकेला है तब, जब पॉलीमराइज मायोसिन है तो उसमें ये जगह जगह पे बाहर निकलने वाले हेड और शॉर्ट आर्म को एक साथ क्या कहते हैं क्रॉस आर्म कहते हैं. नाउ हेड में कितनी चीजें है, तीन चीजें है. पहला एक्टिन के साथ बाइंड होने वाली जगह एक्टिन बाइंडिंग साइट, दूसरा एटीपी को बाइंड कर होने के लिए जगह एटीपी बाइंडिंग साइट, और तीसरा एटीपीएस एक्टिविटी. वो एक ऐसा एंजाइम होता है एटीपीएस जिसकी एक्टिविटी इसमें है जो एटीपी को ब्रेक करके उसकी एनर्जी निकालता है. तो आज के लिए इतना ही, जिन लोगों को डाउट हो फिर से कह रहा हूं 7972312550 इस नंबर पर आप डाउट पूछ सकते हैं. थैंक यू.